भाई देखिए, PS1 का मुंबई इवेंट मेरे लिए काफी ज्यादा मजेदार रहा। सबसे पहले तो भाई विक्रम ने जो धज्जियां उड़ाई उन लोगों की जो बात करते हैं हमेशा बाहर की, या फिर मैं कहूँ दूसरे राजाओं की जिन्होंने हम पर कब्जा किया, खासकर मुगल जो आए थे, और यहीं पर उन्होंने चोलास के बारे में बताया, इंडियन कल्चर के बारे में बताया, हिंदुस्तान के कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बताया जिनकी आज तक कोई डेकोरेशन कर नहीं पाया कि साला ऐसा पॉसिबल हुआ तो कैसे हुआ। यू पीपल टॉक अबाउट इजिप्ट पिरामिड, तो हिंदुस्तान के कुछ मंदिर ऐसे जहाँ की शिलाएं 80-80 टन की हैं और वो 200-200 फुट की ऊंचाई पर रखी हैं। कौन बताया गया कैसे रखी गई, इतने भयानक तूफान के बीच, भूकंप के बीच शिलाएं ज्यों की त्यों हैं। और भाई बेस्ट पार्ट तो मैं आपको बता दूं, ऐश्वर्या राय क्या ही लग रही थी, तबाही मैं कह रहा हूं भाई, सुंदरता की हदें पार कर रखी हैं। कार्तिक की इतनी प्यारी हिंदी, हालांकि उनकी हिंदी नहीं आती, रवि भाई साहब से जो कि तीसरे एक्टर हैं इस मूवी के, उनसे सुन सुन कर बोल रहे थे, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिनका मैं ना वर्णन करूँगा तो आप कहोगे यार ये संस्कार कब आएंगे बॉलीवुड वालों के पास। देखिए विक्रम की जो स्पीच स्टार्ट हुई, ही स्टार्टेड विद मणि रत्नम साहब, क्योंकि ही वॉज द वन जिन्होंने बिलीव किया था विक्रम के अंदर बहुत पहले, एंड ही स्टार्टेड ऑल दिस थिंग्स विद टचिंग द फिट ऑफ हिज डायरेक्टर, कि भाई इनके कारण आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। एंड कॉफी विद करण में बहुत सारी जगह देखा हुआ जहाँ पर करण जौहर को रणवीर सिंह ये तक बोल देता है कि करण ये जूता तेरे ना मुंह पे मार दूंगा मैं। भाई एक ये कल्चर है, एक हमारा साउथ वालों का कल्चर। यार मेरे बच्चों को भी ये वीडियो दिखाऊंगा, हालांकि बच्चे नहीं है, भविष्य में कभी होंगे तो बताऊंगा, किसी की नज़र में सुंदर लड़की हो तो बता देना। हाँ तो यार बच्चों को दिखाना कि भाई दिस इज द कल्चर, दिस इज द रूट, दिस आर द थिंग्स विच यू नीड टू फॉलो। मेरे को यार बड़ा प्यारा लगा, पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड आई होप बॉलीवुड में भी चीज़ें आए, हमारा कल्चर हमारे रूट्स लोगों को पता चले कि भाई झुककर ऐसे पैर छूना इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। बाकी देखते हैं आप लोगों की चीज़ पसंद आई कि नहीं आई, कमेंट करके बताओ कि ये चीज़ें बॉलीवुड में कितने लोग चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कल्चर अब फैले। डू लेट मी नो थ्रू कमेंट, सब्सक्राइब कर लेना, कुछ मिस हुआ तो साला गलती होगी इसमें तुम्हारी। तब तक आप सभी को अलविदा, बाय।